हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास की एक महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं जेएनवीयू की अभी इस साल नए परीक्षा पैटर्न के बारे में। यानी अगर आपको पता होगा, इस बार जो 2020 में सीबीएसई के द्वारा जो पैटर्न की व्यवस्था लागू की गई थी जेएनवीयू के, अब सेमेस्टर 2023 और 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वह सीबीएसई पैटर्न लागू होगा। क्या होगा? सीबीएसई, ठीक है ना, सीबीएसई पैटर्न लागू होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी इस बात, क्योंकि आपको पता होगा, आपके अगर देखें तो पीजी लेवल में तो ऑलरेडी ये सीबीएसई पैटर्न लागू कर दिया गया है, लेकिन अब जो नए, जैसे आप ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं और अब आप जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेते हैं तो जुलाई से ये सत्र शुरू होगा। सत्र कब से शुरू होगा? ये सेशन है वो जुलाई से शुरू होगा। तो अब ये जुलाई से शुरू होने वाला जो सेशन है डियर, ये सीबीएसई पैटर्न पर होगा, ठीक है ना। यानी इसमें सेमेस्टर वाइज होंगे। क्या होंगे? सेमेस्टर। आप कहेंगे सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। और बात करें कि ये, मैं आपको सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है ये बता देता हूँ, लेकिन अपने जेएनवी में सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग जो प्रवेश प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। कल जो अपडेट बताई थी उसमें थोड़ा सा चेंजेज देख लीजिएगा कि सेमेस्टर आधारित जेएनवी सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चार से 2023 से शुरू हुई है और ये 14/6/2023 यानी 7 से 14 दिन तक ये प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी शुरू हो गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने हिंट बता दिया कि अब इस बार आपके जो सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सेमेस्टर प्रणाली किस तरह से काम करेगी, ठीक है, किस तरह से काम करेगी। तो ये तो आप थोड़ा सा समझ ही चुके हैं कि इस बार नया पैटर्न और नई तरह से ये तकनीकी होगी। यानी अगर मैं कहूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार कोर्सेज भी चेंज होने वाला है। क्यों? तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब की बार सेमेस्टर प्रणाली है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको अगर बात करें, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ते, ठीक है ना, आप, मैंने पूरा क्लियर समझा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कन्फ्यूज ना होना पड़े, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर आप करते हैं और फिर थर्ड ईयर करते हैं, तो अगर बात करें एग्ज़ाम की, ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर में ओनली एक एग्ज़ाम देते हैं, और एक मतलब वार्षिक परीक्षा देते हैं और सेकेंड ईयर में आते हैं, फिर सेकेंड ईयर में भी वार्षिक देते हैं और फाइनल में देते आते हैं। इस बार क्या है, अलग है, इस बार सिस्टम अलग रखा गया। क्या रखा गया है? इस बार रखा गया सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है ना। तो ये रखा गया है कि एक साल में दो सेमेस्टर होंगे। क्या होंगे? दो सेमेस्टर होंगे, ठीक है ना। कितने सेमेस्टर होंगे? दो सेमेस्टर होंगे, यानी एक साल के अंदर दो सेमेस्टर होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक साल दो सेमेस्टर, यानी सिंपल कहो ना, वार्षिक और अर्धवार्षिक, यानी आपके एक साल के अंदर दो बार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यस यस, बिल्कुल दो बार होंगे इस बार एग्ज़ाम, क्योंकि दो सेमेस्टर होंगे। एक तो आपके 6 मंथ का होगा, एक फाइनल होता है, यानी पहले एक परीक्षा होती थी, इस बार संभावना है कि दो परीक्षा होगी, क्योंकि दो सेमेस्टर है, एक साल में दो सेमेस्टर। अब बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है वह दो सेमेस्टर, यानी एक साल दो सेमेस्टर करके छोड़ देता है, तो उसे डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं मिलता था। यानी एक साल आपने कर लिया, आपका मन नहीं हुआ और आपने छोड़ दी, तो ये घाटा होता था कि भाई एक साल किया लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन इस बार है, एक स्टूडेंट है कि एक साल में दो सेमेस्टर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, एक साल में दो सेमेस्टर पूरे करता है, तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया। अब इसी तरह सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में वापिस दो सेमेस्टर होंगे, ठीक है ना। यानी एक साल में दो साल में चार और 3 साल में आप 6 सेमेस्टर करेंगे। यानी आप जो पहले थर्ड ईयर तक करते थे, ठीक है ना, जो थर्ड ईयर तक आपका जो सिस्टम होता था, थर्ड ईयर सिस्टम में आप 3 एग्ज़ाम देते थे, ठीक है ना, यानी 3 बार एग्ज़ाम देते थे और फिर जाके आपको डिग्री मिलती थी, ये सिस्टम था। लेकिन इस बार इन 3 सालों में आपके कितने सेमेस्टर होंगे? 6 सेमेस्टर होंगे। कितने होंगे? 6, यानी सेकेंड ईयर में वापस 2 सेमेस्टर हो गए। और अगर सेकेंड ईयर का भी कोई बंदा है
अब इसमें देखो ये फर्क अच्छा हो गया कि कोई 20 में ही छोड़ के चला जा सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, दूसरे में प्रवेश कर सकता है, कभी भी एग्जिट और इन हो सकता है, ये फायदा रहता है। अब अगर मान लीजिए कि सेकंड ईयर कंप्लीट करके वो छोड़ देता है तब उसे क्या फायदा होगा, तब उसे मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा। क्या मिलेगा? इसे डिप्लोमा मिलेगा। तो ये फायदा हुआ कि भाई अगर वो 20 में छोड़ के जाता है तो उसे उसके कोर्स का डिप्लोमा मिलेगा, और वो पूरे तीनों साल कर देता है, और थर्ड ईयर के भी यानी थर्ड तीसरे साल भी वो जो सेमेस्टर है, ठीक है ना, वो सेमेस्टर पूरा कर देता है। इसमें भी दो सेमेस्टर होंगे और वो भी पूरा करता है, तो तीनों साल के 2, 4, 6 सेमेस्टर पूरे करता है तब जाके उसे डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी? उसे डिग्री मिलेगी। तो ये सेमेस्टर वाइज प्रणाली है, वो लागू होने वाली है 7 जुलाई से, और प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 7 तारीख से। अब यहाँ पे जो ज़रूरी है वो चीज़ देखिए, अब यहाँ पर ये है कि अगर सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आधा कोर्स एक सेमेस्टर यानी एक साल में 2 सेमेस्टर है, तो आधा कोर्स एक फर्स्ट सेमेस्टर तक पूरा करेंगे, आधा कोर्स सेकंड सेमेस्टर तक पूरा कर देंगे, यानी एक साल में पूरा करने की प्रक्रिया होगी। तो अब ये पक्का निश्चित है कि सिलेबस बदलने वाला है, पैटर्न भी बदलने वाला है, प्रणाली भी बदलने वाली, क्योंकि एक साल में आपको 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे। तो फिर यहाँ पे जो आपकी इकाई थी, आपके जो सिलेबस था, आपके जो एग्ज़ाम मार्क्स थे, वो लगभग वो पूरा चेंज होने वाला है। तो बी रेडी फॉर न्यू पैटर्न और न्यू सेमेस्टर प्रणाली। तो आपको मैंने बता दिया है कि सेमेस्टर प्रणाली कैसे काम करेगी, ठीक है। अब अगर आपके कोई भी डाउट हो, क्योंकि आपको पता है आपकी हर कॉलेज की जो क्लासेस है वो यहाँ पे रेगुलर लग रही हैं, और अभी एग्जाम पूरे हो चुके, तो अभी BSTC की क्लास शुरू है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज ये सेमेस्टर की प्रणाली अगर जैसे ही लागू हो जाती है 7 जुलाई से, तो उस अकॉर्डिंग आपके ऑनलाइन चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी अपडेट, अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट बता दूँ कि अगर अब की बार जो सेकेंड ईयर में आया है तो उसके ये लागू नहीं होगा, क्योंकि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर अभी पढ़ रहे हैं उनके लागू नहीं होगा। अब नए सत्र से यानी अब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा ना, उसके ये प्रणाली चलेगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दोबारा इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।